हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुज्जर फैमिली व्लॉग्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मॉर्निंग में हो रही है किचन की क्लीनिंग, गैस की। इस पर ना दूध निकल गया था और गरम गरम को तो इसको नहीं कर सकते हैं, और जब ठंडा हो जाता है ये तो ये जम जाता है अच्छे से। तो जो बर्तन क्लीन करने वाला होता है ना स्क्रबर, उसी से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। पहले साबुन से करूँगी, फिर गीले कपड़े से करूँगी, और उसके बाद इसको सूखे कपड़े से करूँगी। ये वाली गैस के साथ केयर भी थोड़ी एक्स्ट्रा ही हो जाती है। ये वाला गैस स्टोव अगर आप लेते हो तो ये ग्लास वाला, और जो पहले स्टील वाला था ना वो जल्दी साफ हो जाता था। इसमें बहुत टाइम लगता है क्लीन करने में, और जब मैंने ये लिया था ना मैं सोचती थी कि ये जल्दी क्लीन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये देखिए, एक बार इसको गीले कपड़े से कर दिया है, दो तीन बार इसको गीले कपड़े से करने के बाद फिर सूखे कपड़े से इसको क्लीन करना होता है। और ये वाले बॉक्सेस हैं जो फ्रिज में से निकले हैं, छोटे वाले में से, और अब इनको मुझे यहाँ सेट करना है। और उनको सेट करने के बहाने ही नीचे से भी ये जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं ये भी सारे साफ़ हो जाएंगे। किचन की एक वीकली क्लीनिंग कह लीजिए वो हो जाएगी। ये ओपन में ना गंदे हो जाते हैं बॉक्सेस। अभी हम कर रहे हैं अपनी किचन की क्लीनिंग। ये देखिए, एक एक बॉक्स उठा के उसको अच्छे से साफ कर रहे हैं। किचन की क्लीनिंग नहीं है ये, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं है, ये वीकली क्लीनिंग है। जैसे ये ओपन है ना, यहाँ पर डॉट्स वगैरह नहीं लगी हुई है अभी किचन में, तो जो हल्की हल्की डस्टिंग गंदा सा होता है, देखिए ये देखिए ऐसी मिट्टी से जम जाती है, तो वो ही साफ कर रही हूँ इसमें। और ये मुझे वीकली करना ही पड़ेगा जब तक कि ये मेरी किचन वो नहीं हो जाती है, ड्रॉर्स नहीं लग जाते हैं जब तक के इसमें। और एक और चीज़ हो जाती है, अभी तो एक एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी निकल गए हैं जो छोटे फ्रिज में से निकले हैं, और अभी मुझे अपना बड़े वाला फ्रिज क्लीन करना है, और उसके बाद उसमें वो वाले बॉक्सेस लगाऊंगी, जैसे कि काजू बादाम जो हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो मैं उसमें ही रखती हूँ फ्रिज में, वो ना ख़राब नहीं होते हैं। जैसे और भी कोई मसाले वगैरह हो गए ज़्यादा हो जाते हैं जो, तो उनको ना मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ, वो फ्रिज में ना बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और ये देखिए, काले चने चने रखे हुए हैं, इसको मीठी खिलों में ना वाइट वाली मीठी खिलों में मिक्स करके खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बॉक्सेस भी ना, ओह बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बादाम गिर गए सारे इसमें, इस डब्बे में से किसी ने ना ढक्कन खुला ही रखा हुआ है, बिल्कुल बादाम भर गया, बढ़ गया, किसी ने क्या पी हुई काम हो गई हो रही है। मैं सोच रही हूँ एक ना अलमीरा ले लूँ, मतलब वो वुड वाली, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं, एवरेज से साइज की, जिसके अंदर तीन चार शेल्फ हों, और उसमें ना मैं अपना किचन का सामान रख लूँगी सारा। और इतनी किचन रेनोवेट होती है, इतने तो हम उसमें रख ही सकते हैं, डब्बे ना गंदे नहीं होते हैं। कुछ डब्बे जो बॉक्सेस ना मेरे फ्रिज में थे ना, वो ख़राब गंदे नहीं होते थे, बिल्कुल भी साफ पड़े रहते थे। और बाहर वाले फिर लिमिटेड से ही थे, एक इधर ट्रॉली लगाई थी उसमें से, तो बाहर ना लिमिटेड से ही थे बॉक्सेस, उन पर तो मैं डेली भी कपड़ा मार देती थी, जितने ज़्यादा डब्बे होंगे उतने ज़्यादा काम पड़ेगा। चलो देखते हैं, ये सूजी है, ये तो अभी साफ करके डाली थी इसमें छान करके। और कई लोग ना भून के रख लेते हैं सूजी को, रोस्ट करके, वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन मैं मेरी ऐसे भी ठीक रह जाती है। सूजी बेसन वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो फ्रिज में इनमें ना ख़राब होने का ना डर बहुत कम रहता है। और अभी मैंने कपड़े भी डाले हुए वॉशिंग मशीन में, वो भी वॉश हो रहे हैं। और आलू उबाले थे आज आलू के पराठे बनाने के लिए, लेकिन बनाए नहीं, नॉर्मल पराठे खा लिए। और अब हम सोच रहे हैं आलू के पराठे दोपहर को बनाएं, और दूसरी साइड में सोच रही हूँ मामा के घर जाने की, वहाँ भी काम है कुछ। एक तो मेरा लंच बॉक्स वहाँ गया हुआ है, वो भी लेकर आना है, और कुछ उनका सामान है वो देकर आना है, और भी एक दो काम है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी किचन की थोड़ी देर में क्लीनिंग होती है किचन की। पीहू गई हुई है अभी अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, यहीं पास में ही किसी के घर पे, उनके ना ऊपर छत पे जैसे ऊपर वाला पोर्शन भी बना हुआ है, तो वहाँ पर ना उनके नीचे भी साइड में भी बहुत अच्छा नेटवर्क आता है 4G, और ऊपर तो अच्छा आएगा ही आएगा, तो मैं कहता चल तू वहाँ लगा लिया अगर क्लास, स्किप करने से तो अच्छा है कि क्लास लगाती ही रहे। और ये देखिए, आपसे बातें करते इतनी देर से बातें कर रही हूँ, लेकिन
बॉक्सेस अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, तो चलिए मैं इनको लगा लेती हूँ फटाफट से क्लीन करके, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्चना गुजर फैमिली व्लॉग्स। एक्चुअली मैंने अभी वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल के लिए, अर्चनास कॉर्नर के लिए, तो ऐसे लिए एकदम से निकला कि अर्चना, फिर मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया गुजर फैमिली व्लॉग्स। और आज ना हम बताएं हमने क्या करवाया है, कि देखिए दिख रहा होगा ना यहाँ से कुछ गड़बड़ यहाँ से। हाँ, एक दिन क्या हुआ, हमने अंदर से सारे लॉक लगा दिए और बाहर वाला ये वाला लॉक लगा के चाबी अपने साथ ले गई। मैं उधर गई थी दूसरे घर में, तो वो चाबी टूटने वाली हो रखी थी, तो हस्बैंड ने जैसे लॉक खोला के चाबी टूट गई और हम घर के बाहर, और दूसरी चाबी थी घर के अंदर। तो प्रॉब्लम हो गई कि कैसे अंदर आए, तो बहुत मुश्किल से फिर कारपेंटर को बुलाया, उन्होंने शीशा वगैरह उतारा, घर के अंदर एंट्री हुई, और जो फिर ये वाला डोर है ना इसको ओपन किया अंदर से, फिर हम अंदर आए। और आज ये फाइनली डोर हमारा ओपन हुआ है, अदरवाइज इधर से ही आना जाना हो रखा था इतने दिनों से। अब लॉकडाउन लग गया है तो इसका हैंडल नहीं मिलेगा, तो चटकनी है, चलो अंदर से तो लॉक लग ही जाया करेगा इतने। और ये स्टोरी मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं की, थोड़ी सी फनी लगती है, बट उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो रात का टाइम था, और मतलब शुक्र है कि कारपेंटर अपने यहीं आसपास ही मिल गया, अदरवाइज अगर ना मिलता तो हम घर से बाहर रहते उस दिन, सारा दिन, सारी रात, दिन नहीं रात, उधर सोते फिर ताऊजी और के घर पी हु के। तो मैं यही बहुत दिनों से मैं सोचती थी कि अगर मैं चाबी लेके बाहर जा रही हूँ, अगर चाबी गुम हो गई तो क्या होगा। चाबी गुम तो नहीं हुई, चाबी टूट गई, और जो दूसरी की थी ना उसकी, फिर एक और चीज जो उसकी दूसरी की अंदर थी वो सारे घर में नहीं मिली। तो फाइनली आज हमने लॉक तुड़वाया है और अब दरवाजा ओपन हो गया है। तो मैंने उनको बोला भैया को कि ये हैंडल तो लगा दो, इसको पकड़ के हम खोल तो लिया करेंगे जस्ट, क्योंकि इसमें ना वो नहीं है जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, तो मैंने ये वाला लगवा लिया कि आप ये तो लगा दो। और तो चलिए अभी हमारा ना मॉर्निंग का काम निमट चुका है सारा अभी, क्योंकि 12:30 का टाइम है, मॉर्निंग का तो निपटना ही था। और अब हम जा रहे हैं मामा जी के घर, थोड़ा सा काम है, मैंने पहले भी बताया था हम जाएंगे, कपड़े मैंने बाहर धोकर डाल दिए हैं वॉश करके सूखने के लिए। और आज हम जा रहे हैं नाना के घर, अभी हम निकलेंगे घर से बस, और यहाँ पे मामा कार चला रही हैं। हेलो, और अभी मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, देखिए यहाँ का। Thank you.
और इवनिंग टाइम हो गई है, हो गया है। अब हम बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं, टमाटर आलू की सब्ज़ी टमाटर डाल गए हैं, मतलब नॉर्मल सी। और प्याज नहीं डालना था, कान्हा जी का भोग लगाना है। और बस नॉर्मल से ज़ीरा धनिया वगैरह डाला, और वही तीन मसाले जो होते हैं हल्दी नमक मिर्च और थोड़ा सा चना मसाला, टमाटर डाल दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पका लिया और उनको अच्छे से मैश कर दिया, और फिर मिक्स कर दिए कट किए हुए बॉईल हुए हुए पोटैटोज़, और उनमें पानी ऐड कर दिया, उनको पका लिया अच्छे से, और फिर रोटी बना ली और फिर खा ली, और फिर बर्तन क्लीन कर दिए और किचन का काम क्लीन हो ख़त्म हो गया। उसके बाद बातें मारी, थोड़ा सा और काम किया, कान्हा जी के ऑर्डर्स लिए, और उसके बाद आपसे आकर के मिलेंगे डायरेक्ट फेस टू फेस is on camera। Hello everyone, good नहीं, अभी हमने फ़ोन उठाया है गुड नाइट बोलने के लिए, मतलब कि व्लॉग का एंड करने के लिए। 11 बज चुके हैं रात के, सारा काम वगैरह फिनिश हो गया है। उसके बाद हमने कान्हा जी के ऑर्डर लिए हैं अपने, दो तीन ने काफ़ी सारे लिए हैं, काफ़ी सारे रिप्लाइज भी किए हैं। और वो देखिए पीयू की गुल्लक नज़र आ रही है पीछे, यहाँ ये देखिए। और आज जो मैंने वीडियो डाली है तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि बोलने दीजिए, लोगों को बोलते हैं, जो कमेंट करते हैं कमेंट करने दीजिए। तो देखिए रिप्लाई करना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना सब लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये तो बोलेंगे नहीं, इनको जो मर्जी बोल दो। और YouTube पर कोई कमेंट नहीं करता है उल्टा सीधा, और कमेंट आते भी हैं तो नो प्रॉब्लम। ये सब उनके लिए था जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे पर्सनली प्यार करते हैं, वो सब उनके लिए था। यूट्यूब से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वो वीडियो देखने के लिए आते हैं, और वो उन सब के लिए था। और है ये रिप्लाई करना ज़रूरी बन गया था, और इस वजह से मैंने थोड़ा सा किया है, इस वजह से किया है, और इस तरीके से किया है कि उनको स्पेशली पिंच भी ना हो और उनको पिंच हो भी जाए। और बस अब व्लॉग का एंड करते हैं। और ये मैडम खा गया ये कस्टर्ड, और हम करने जा रहे हैं अपने व्लॉग का एंड। कैसे करते हैं एंड पीयू करेगी? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कैमरे में तो आ जा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, और मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।